तुझे मुझसे डर लगता नहीं लगता? नहीं। गाड़ी रोक के भागो उतर के भैया। जिम डाइट क्या है वो? ये है भाई जी आप सैंडविच नाइस पनीर सैंडविच है सॉरी। अच्छा चलो वर्कआउट खत्म, वर्कआउट खत्म, डाइट खत्म। अरे ये अपनी गाड़ी भाई, इसे चलाने का मेरा मन नहीं करता। पूछो क्यों? मैं नहीं बता रहा। तो बता देता हूँ भाई, इस गाड़ी को चलाने का पता मेरा मन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये गाड़ी इलेक्शन में जाके खर पर से एक तो उसमें आवाज़ आती है हल्की हल्की कभी कभी, फिर दूसरा गाड़ी गंदी रहती है। अब मैं इस गाड़ी को कितना भी साफ करवा दूँ, कितना भी धुलवा दूँ, एक बार बस गाड़ी रैली में चलेगी बस। अब तो मैं पता है रैली का मतलब क्या सीन होता है भाई। रैली का मतलब गाड़ी की क्या कहते हैं उसको, दुर्दशा। पूरी गाड़ी की अस्त होती है, तो इसलिए मन नहीं करता 1% यार चलाऊँ, फिर धुलवाऊँ, साफ करवाऊँ, बस ये सीन है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, देखो भाई बहुत से लोग ये बोल रहे होंगे ये तो पागल है भाई, मैड हो चुका है जिम के पीछे। और भाई अब तुम मैड मान लो, कुछ ही मान लो, पर मैं संडे को जिम, मेन मेरा ये रहता है मैं अपनी स्ट्रेंथ चेक करता हूँ। संडे को सीन क्या होता है, मैं मेनली जाता हूँ सिर्फ डेड लिफ्ट के लिए, क्योंकि डेड लिफ्ट से ना स्ट्रेंथ पता चलती है कितनी स्ट्रेंथ है बंदे में कितनी नहीं। मैंने पिछली बार मारी थी 160 नहीं, सबसे पहले मैं गया था, मैंने 100-120 पर टक गया था, फिर दो हफ्ते ट्राई करा, फिर आया 160 पे, और तुम्हारे भाई ने मारी है 180 की डेड लिफ्ट। जब तक 200 की नहीं हो रही थी, जब तक थोड़ा सांस नहीं आएगी। बाकी 200 होते ही तुम्हारा भाई फुल कॉन्फिडेंट, उसके बाद सोचेंगे कुछ आगे की कि 220 करनी है नहीं करनी है, या फिर 200 पे रहना है। बाकी जो भी है अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में स्ट्रेंथ काम आएगी हर चीज़ में, ठीक है। और बॉडी को रेस्ट भी ज़रूर दो, डाइट वाइट अच्छे से रखो, बाकी डाइट वाइट खा ली अब घर। वैसे मैं हमारा प्लान ये था आज का, डेड लिफ्ट वगैरह करके थोड़ा बहुत जिम का शूट करके और स्टीम लेने का, क्योंकि एवरी संडे हम स्टीम लेते हैं, पर अब जो दिन की स्टीम हो चुकी है ख़राब, तो रिपेयर होने के लिए जो भी पता नहीं क्या सीन चल रहा है इनका, तो नेक्स्ट वीक देखेंगे। बाकी घर जाऊँगा, नहाऊँगा, एक घंटे का रेस्ट करूँगा, उसके बाद देखूँगा कुछ काम अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को उठेंगे सीधा। ये तो देख लो धूप भाई, इतनी गर्मी हो चुकी है ना बाहर, भगवान कसम 1% मन नहीं करता बाहर जाने का। ऐसा मन करता बस या तो कमरे में बैठे रहो और या एसी में बैठे रहो, जहाँ भी बैठो एसी में बैठो बस भाई, इतनी इतनी गर्मी है। मैं तो भाई भगवान कसम ये सोचता हूँ, जो चल भगवान ने, अब भगवान की दुआ से हम तो चल ठीक है फिर भी रह रहे हैं जैसे रह रहे हैं, और भाई जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे वो बाहर गर्मी में कैसे रह रहेंगे। तो भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई गरीब इंसान दिखे कुछ कैसा दिखे, तो या तो खाना या फिर पीने के लिए पानी, ठंडा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, नॉर्मल पानी ज़रूर देना भाई ज़रूर, ठीक है। हमसे हो पाएगा हम देंगे, आपसे हो पाए तो आप दे देना, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखना, क्या पता आपकी एक छोटी सी हेल्प से आपको बहुत बड़ी दुआ मिल जाए। तो पहले ही बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, दुआएं कमाओ, दुआ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो भैया भैया पता किस लिए आया, सरप्राइज़ के नाम पर? क्या आ जा, क्या चाहिए तुझे? आप बताओ क्या है आपके पास?
आपके पास क्या है? तुझे क्या चाहिए ये बताना भाई। चॉकलेट। आज संडे थोड़ी है। फिर क्या है आपके पास है क्या? नहीं। तुझे क्या चाहिए अब ये बता दे फाइनल। चल मेरे पास है एक दिल और दो जान। अय हाय हाय हाय। अब बता तुझे कैसे भाई डेडलिफ्ट मारने के बाद दर्द होगा। बस तुझे बता तुझे चाहिए क्या वो दूंगा। दुकान की। क्या चाहिए? दुकान की। दुकान की। अबे नाम तो बता। कुछ खाने का चाहिए खेलने का चाहिए? खाने का। खाने का चाहिए। खाने में क्या चाहिए? अबे चिज्जी का नाम तो बता दे कुछ। कौन सी सा नाम बता। डेरी मिल्क। बस बस। और फिर मुझे क्या मिलेगा आपको? अगर मैं तुझे डेरी मिल्क ला के दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर आप पबजी खिला दोगे फिर मुझे क्या मिलेगा? जाओ जाओ जाओ। आपको किसी मिलेगी? क्या मिलेगी? किसी। मैं तेरी किसी की नहीं। अब तो डिलीट नहीं करते पब्जी मैंने तुझे पता ही है। ओ, भाई सुन तो ले भाई सुन तो ले पहले। डेयरी मिल्क की बात हुई है। डेयरी मिल्क की बात हुई इतनी पब्जी खेलने का बाद दिन से नानी हाउस था। तो नानी हाउस जाकर नहीं खेला था? नहीं मामा। भाई मेरी बॉडी टूट जाएगी। भाई तेरी तो बॉडी भी नहीं है मेरी तो बॉडी है। सुन ले पहले मेरी बात। चॉकलेट चाहिए तो बता दे और नहीं तो मैं जा रहा हूँ फिर सोने। ठीक है भाई बता दे। चॉकलेट चाहिए तो बता नहीं तो मैं सोने जा रहा हूँ। चॉकलेट चाहिए फिर मुझे क्या मिलेगा आपको? मैं फोन ना ला। तो एक काम कर एक हाथ से फोन दे दे और एक हाथ से चॉकलेट ले ले। ला पहले फोन दिखा कहाँ है? अबे फोन तो दिखा पहले कहाँ है? गरीब आदमी बता रहा सही दिखा रहा है तू गरीबों को मार रहा। मेरे पास चॉकलेट है तेरे पास फोन है तो फिर तू कहाँ से फोन दे देगा? लाके मुझे आपको किसी दूंगा। किसी किसी एक बार दे के दिखा दे कैसे देगा। एक बार किसी ऐसे दूंगा। अब जल्दी फोन दो जल्दी दो। मजा नहीं आया। अबे मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। सुन तो ले पहले पूरी बात तो सुन ले भाई। मेरे ऊपर क्यों खड़ा हो रहा भाई? भाई यार देख गरीब आदमी को मार रहा भाई। सुन नहीं सुनना। एक मिनट सुन तो ले पहले। नीचे तक एक मिनट नीचे तक नहीं मानेगा ये बोल दे। नहीं मानूंगा। तुझे डर है नहीं है? तुझे डर लगता नहीं लगता? डर लगता नहीं लगता? डर लगता नहीं लगता? डर लगता नहीं लगता? डर लगता तुझे मुझसे डर लगता नहीं लगता? डर लगता नहीं लगता? डर लगता नहीं लगता? आगे ना बता। डर लगता नहीं लगता? पहले बस एक बार हंस इसका आंसर दे दे मुझे। तुझे मुझसे डर लगता नहीं लगता? नहीं लगता है। बता दिया बता दिया लास्ट मेरे पास तो चॉकलेट। सुन ले पहले सुन मेरी बात सुन। अगर मैं तुझसे ये बोल दूं कि मेरे पास चॉकलेट नहीं है तो तू क्या करेगा? थप्पड़ मारूं। मार दे भाई। सर सॉरी सुन सुन पहले पूरी बात सुन ले पूरी बात सुन ले सुन ले। अभी मैं नहा के ना बाहर जा रहा हूँ। तेरे लिए चॉकलेट कितने लेगा? नहीं बस कितने लेगा? नहीं कितने लेगा? नहीं बता दे। अबे सुन तो ले भाई सुन तो ले भाई सुन ले। बिल लेके जाऊंगा बेटा। भाई यार सुन मैं तो जा रहा हूँ। मैं हट जा हट जा रहा हूँ हट। तू नहीं दूंगा चॉकलेट निकल। भूत बना दिया मारते मारते। बाल बाल खींच दिए। अब तेरे लिए चॉकलेट नहीं ले जाऊंगा। चाहिए चलो मैं छोड़ दे दूंगा। ठीक है दो। पहले मेरे को एक बार देख रहे दे मुझे पक्का नहीं पता वहां पे रखी नहीं रखी। ठीक है यार तो मैंने रखी थी तो वो खत्म हो गई। यहाँ से खत्म हो गई। यहाँ से तू भी जा रहे सीधा हवा में जाएगा सीधा। अबे सुन सुन तो ले भाई सुन तो ले भाई भाई सुन तो ले भाई भाई बड़े भाई सुन। अबे न्यू वॉच किसकी है दिखाइयो। चोर चोर ये चाचू की वॉच है ना दिखाइयो बार दिखाइयो।
इसमें लाइट मिलती है क्या? ओ बेटे देखा। कौन ले गया है? चेंज। कौन ले गया? चेंज। पहले बता ले कौन आया? चेंज। कौन ले गया सही बताइए, झूठ नहीं। कौन ले गया इसे? पुरानी। शाम के बज रहे हैं 7:30। भाई मैंने डेड लिफ्ट मारी थी 180 की, सुबह तुमने देख लिया होगा। भाई डेड लिफ्ट मारने के बाद ना हालत ऐसी हो गई थी कि भाई अब नींद आ रही है बहुत तगड़ी, और मैं खाना वाना खा के डाइट वाइट लेके भाई सब कुछ करके सेट होकर सो गया था। उसके बाद तुमने कहा नमकीन नौटंकी देख ही ली थी भाई। बाकी अभी फिर मेरे को याद आया मेरे पास ना 2 सिम है। अब 2 सिम में दिक्कत ये हो गई है, जिस सिम को मैं यूज नहीं करता वो सिम उन्होंने बना दी मेरी मेन सिम, और जिस सिम को यूज करता हूँ वो बना दी सेकेंडरी। तो मेरे को जो मेन सिम है मतलब जो मेरी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ उसको मेरे को बंद करवाना है, और जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको मेरे को पोर्ट करवाना है दूसरे उसमें, क्योंकि पहले मेरी वोडाफोन में थी उसमें नेटवर्क नहीं आते थे, फिर मैंने एयरटेल में करवा ली तो इसमें थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। अब मैं पहले पूछ लूंगा क्या सीन है क्या नहीं है, अगर किसी में नेटवर्क अच्छा आते हो बाकी एक बार कमेंट कर देना कि मुझे किस में पोर्ट करवानी चाहिए। चलो एक दिन मैंने आप लोगों को दे दिया ठीक है, तो जिसके भी कमेंट ज्यादा आएंगे उस वाली सिम को उसमें पोर्ट करवा लेंगे। पर अच्छे सजेशन देना, ये नहीं है कि तुम किसी में भी दे दो कि हाँ भाई ये करवा लो वो करवा लो। हमारे यहाँ के लोग नौकर मतलब क्या कहते हैं उसको, लोकल के बंदे हो नोएडा साइड के, उनको पता होता है किसमें करवानी चाहिए। तो एक बार मैं सिम वगैरह चेंज करवा लूँ अपनी, उसके बाद फिर विकास मुझे कॉफी पे आने जाना। चलो ये क्या लिख रहा है अपना टी शर्ट पे? हाँ वो इसमें ये लिखा खाओ पियो रघोर सो जाओ। मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि क्या है ये। हाँ ये एक ब्रांड है, इसे सिर्फ ब्रांडेड लोग पहन सकते हैं। तो कॉफी पियो है? कॉफी पियो क्या भाई, तूने फोन की दावत थी मुझे, तो वही तो पूछ रहा हूँ कॉफी पियोगे कुछ खाओगे? कुछ खा भी लूंगा, खवा चलो तो चलो खाना कसम खवा तू। किस चीज की? कसम खाने के यार खा लूंगा। भाई जितने विकास की तरफ से इससे बड़ा धोखेबाज मैंने कोई नहीं देखा। अबे यार पूरी जिंदगी में नहीं देखा भाई, इसने मुझसे कही थी भैया दावत दूंगा, दावत तो के नाम पे दी भी ना दिया भाई। मना नहीं करी मैंने, मैंने बोल दी जब मन करे जब ले लेना। हाँ तो लेते देना होती, मैंने कही थी आप खिला दो पैसे ले लियो बाद में, क्यों मना करी? समझ रहे हो ना भाई तुम क्या कह रहे हो भाई, ऐसे लोग नसीब में। अब जब मैं खिलाऊंगा तो, अब जब मैं खिलाऊंगा तो 10 बार बताऊंगा लोगों को मैंने खिलाया। हाँ तो टेंट वेंट लगा खवा करो ठीक है। मेरी होड नहीं होती भाई, यहाँ आना हमारा हुआ अनसक्सेसफुल, ऐसे बोलते हैं ना। देखो वो दिख रहा था एयरटेल स्टोर भाई, तो बताओ इसमें क्या हुआ हमारे साथ। इसमें हुआ ये, इसमें कुर्सी 3 डली हुई है और देखने वाले 1 बैठा हुआ और आधे में अंदर 5-6 बैठे हुए हैं, मतलब कुल मिला के भीड़ है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम आएंगे कल। तो मैं अपने नोएडा दिल्ली NCR की सबसे अट्रैक्टिव चीज़ दिखाऊँ, मतलब मैं तो हूँ ही, मैं वो नहीं कर रहा, पर एक और चीज़ मुझसे थोड़ी कम है पर अट्रैक्टिव है, वो मेरी तरह अट्रैक्टिव। ये है नोएडा दिल्ली NCR की सबसे अट्रैक्टिव चीज़, चीज़ नहीं है, चीज़ सही बड़ी बड़ी लगती है सामने, अब लगती है ना जब से ये सब लगाया ना इसमें, स्पॉइलर भी लगवा दिया जब, ये लगवा दिया ना, फिर ये दिखाया नहीं है ना व्लॉग में शायद, दिखा दिया अच्छे से, और फिर ये लगवा दिया कवर, नंबर तो दिखाई दिया था मैंने इसका पीछे, फिल्म विलम चढ़वा दी गाड़ी पे। अब टोटल लुक इसका ये है, लुक चेक कर लो भाई। अब इसको चेयरमैन साहब ले जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे लगा भाई, और देख रहे फोर छोटी खड़ी इससे बड़ी लगा है, लेकिन मैं ना है ये तो ऐसे लगा पिलिया से यू लगा हैवी, जी वैगन भी छोटी सी लगती है ना वीडियो में, फॉर्च्यूनर से ही बढ़िया। हाँ बाकी भाई ये तो उठी नहीं हुई ना भाई, कमेंट कर रहे होता लग कैसे उठी नहीं है भाई, अभी उठी होती तो और कम, अभी देख रहे हो अभी उठी नहीं है, और जब इतना गया है 3 हाथ और उठ जाएगी कम से कम, इतनी उठेगी इतनी उतनी उतनी यहाँ तक उठेगी, यहाँ तक उठ जाएगी बताओ। पर भाई लग रही है गाड़ी फुल मिला है ना, और देखिए अक्सर मैंने फॉर्च्यूनर खड़ी देखिए, वो भाई ये देख हंस देख फोर्चुनर कितनी नीचे दिख रही है, हंस देख। हाँ पता, अरे तो वो थोड़ा दूर का वो है पर हाँ है इधर से दिखो देखो भाई, फिर भी इधर से नहीं इधर से पता चल जाएगा इसमें हाइट कितनी है। हाँ उसे देख लो नीतीश भाई की, इसमें तो बहुत काम है। चलो भाई आगे चलते हैं ऊपर। अरे गाड़ी बंद करके आओ एक मिनट, अरे भाई आ जाओ तुम यहाँ ऑफिस पे, ये पागल गाड़ी बंद करो एक मिनट, बंद तो करो तुम मेरी कसम बंद करो, अरे गाड़ी तो बंद करो भैया, गाड़ी बंद कर दे भाई, गाड़ी बंद ना हुई है गाड़ी बंद करो, किस स्पीड पे है गाड़ी बंद करो, बंद करो बंद करो इंजन, बंद करो इंजन, अरे इंजन बंद करो एक मिनट, हाँ
बंद करो बंद हो रहा हेलो करो तो सही एक बार तुम्हें सावेज भाई कसम है शेर भाई की बंद करो एक बार कहा बंद नहीं हो रही कौन कौन है करो ना रोक के अरे मैं नीचे आ गया यार गाड़ी में बम है गाड़ी में बम चल भी आगे में नीचे आ गया नहीं नहीं अभी नहीं आए क्या गाड़ी रोक के भागो उतर के बंद गाड़ी में बम है भैया करो बंद यार रुक 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 गाड़ी बंद कर रहे हैं भाई फोन सू गाड़ी बंद नहीं हुई ऐसे हो जाते क्या हेलो या घर लीजिए अरे यार गाड़ी में तो बाकी ये सारे भाई अपने यहाँ पे और ये सारे भाई जा रहे हैं कहीं पार्टी में एक ये जाएगी एक ये जाएगी और शायद ये भी जाएगी सही बताना कमेंट करके सही सही कलर वाइट हो सकता है ब्लैक सही बताना जेन्युइन ये बाकी अपने चेयरमैन साहब लो मैं खींच चलो अरे वोट लगे जरा मिला बुला रहा हूँ हाँ विकास लो भाई गाइस अपना ग्रुप है अभिषेक देखिए अभी देगा तो जब भी मैं अकेला बैठा होता हूँ तो भाई अलग अलग थॉट्स आते हैं माइंड में बहुत से लोग आते होंगे मेरे भी आते हैं तो भाई मैं सोचता हूँ कि यार भगवान ने मुझे इस काबिल बना दिया मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया आज मैं अपने दम पे यहाँ तक आया हूँ ठीक है इतने लोगों का प्यार सपोर्ट मेरे साथ है पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी किसी चीज़ में रह जाती है और कोई कोई इंसान भाई इस चीज़ से भी खुश नहीं रह पाता है मतलब वो वाली बात होती है ना जिसके पास जितना है वो उसमें उतना खुश नहीं है फिर मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यार कोई मुझसे भी पीछे बहुत लोग हैं जो जहाँ तक मैं आया हूँ वहाँ तक आना चाहते हैं और वो आ नहीं पा रहे हैं तो बस यही चीज़ सोच के थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार चलो जो भी है और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे और हार्डवर्क करेंगे तो इससे आगे जाएंगे तो भाई यही चीज़ है मेहनत करते रहो रुको मत एक न एक दिन आपका भी टाइम आएगा आप भी उड़ान ज़रूर भरोगे ठीक है तो किसी के कहने पे डीमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी चलते रहो एक न एक दिन आएगा जो 100% है बस तुम गिव अप मत कर देना अगर तुमने गिव अप कर दिया तो सब खत्म समझ गए तो गिव अप नहीं करना बिल्कुल भी मेहनत में जी जान लगा दो पैसा कमा रहे हो पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं है गोल हासिल करना है गोल हासिल कर लो कुछ भी कर रहे हो पर उस चीज़ में जी जान लगा दो समझ गए बस डिमोटिवेट मत हो जाना और किसी की बातों मत आना जो तुम्हारा दिल कहता है जो तुम्हारा दिमाग कहता है बस वो चीज़ करना किसी के दिल का क्या कहता है किसी का दिमाग क्या कहता है वो बिल्कुल भी मत सोचना अपने दिल की सुनो अपने दिमाग की सुनो बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप सबको लव यू थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए